लिए दिसंबर 2018 में घटित देश विदेश की जानकारियों पर आधारित दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019, अप्रैल 2019, ये चारों महीने के हमने करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसके पीछे भी मैं कोशिश करूँगा कि जुलाई 2018 से लेके और जहाँ तक आपका एग्जाम हो रहा है उसके एक महीने पहले तक की सारी वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। उस क्रम में आज हम दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स लेके आए हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। पहली न्यूज है, सतह से सतह 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है उड़ीसा के निकट अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। ये जो अब्दुल कलाम द्वीप था इसका नाम पहले व्हीलर द्वीप था, 2015 में इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 सभी परमाणु से लैस है, जिसमें से तीन इसके शुरुआती तीन सेना में शामिल हो चुके हैं। अग्नि 5 भी जल्दी ही सेना में शामिल हो जाएगी। इससे देखिए क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि अग्नि 5 मिसाइल कहां से कहां तक मार करती है, सतह से सतह, सतह से हवा में, हवा से सतह में, या फिर हवा से हवा में। ये चार ऑप्शन देके आपसे पूछ सकते हैं कि अग्नि 5 की मारक क्षमता क्या है। और ये भी पूछा जा सकता है कि 5000 किलोमीटर से अधिक, 4000 किलोमीटर से अधिक, 3000 किलोमीटर से अधिक, 2000 किलोमीटर से अधिक, तो 5000 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम भी पूछ सकते हैं, व्हीलर द्वीप जो हमने बताया अभी। अगला है, भारत में निर्मित सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 का प्रक्षेपण। देखिए GSAT-11 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका वजन इतना ज्यादा है, 5854 किलोग्राम, भारत का सबसे भारी उपग्रह है। और इसका प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट से किया गया, क्यों? क्योंकि जो इसरो की क्षमता है वो 4000 किलोग्राम तक है, 4000 किलोग्राम से अधिक भार वाला होगा, तो इसरो का यहाँ की स्पेस एजेंसी से करार है। फ्रेंच गुयाना की स्पेस एजेंसी का रॉकेट है ये एरियन 5। फ्रेंच गुयाना है तो फ्रांस का उपनिवेश, लेकिन आप इसकी स्थिति देखोगे तो दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के ऊपर छोटा सा ये फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। तो GSAT-11 नाम याद रखिएगा, GSAT-11 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत का सबसे अभी तक का सबसे भारी उपग्रह रहा। अगला है GSLV-F11 के जरिए GSAT-7A का प्रक्षेपण, ठीक है। ये GSLV-F11 इसका वजन कम था इसलिए यहाँ GSLV से ही प्रक्षेपण इसका हो गया। भू समस्थानिक कक्षा में स्थापित होने के बाद इसका नियंत्रण कर्नाटक के होसन स्थित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF ने ले लिया। ये दोनों वहां पर स्थापित कर देने के बाद उस जो सैटेलाइट का नियंत्रण होता है वो ये जो है MCF ले लेता है। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल बोगीबील पुल का 25 दिसंबर 2018 को लोकार्पण किया गया। नदी याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र, लंबाई भी याद रखिएगा, एक बार पीसीएस में जब ढोला सादिया पुल बना था तो उसकी लंबाई पूछ गया था, तो इसकी भी लंबाई याद रखिएगा, ठीक है। वैसे भारत का जो सबसे लंबा पुल है वो है ढोला सादिया पुल, जो भी मैंने बताया भूपेन हजारिका पुल, 9.45 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और ये असम में लोहित नदी पर स्थित है, ये वाला लोहित नदी पर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। NH-31 और NH-52 को ये जोड़ता है, कौन सा? बोगीबील जो ब्रिज है, बोगीबील ब्रिज रेल रोड ब्रिज है, मतलब एक फ्लोर पे रेल चलेगी दूसरे फ्लोर पे सड़क। देखिए थोड़ा बैक में देखिए, यहाँ तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से नदी निकलते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई ऐसे आके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नाम भी कई बार परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर देखो इसका नाम सांगपो है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इसका नाम देखिए जमुना है, और गंगा का नाम पश्चिम बंगाल में क्या है? पद्मा। फिर इनकी संयुक्त धारा जो हो जाती है वो मेघना नाम से कहलाती है, मेघना नाम इसकी संयुक्त धारा की हो जाती है। प्रवाह के दृष्टिकोण से भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि इस पर माजुली द्वीप पाया जाता है। माजुली द्वीप क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और तीसरा इसका फैक्ट बनता है, यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो होता है इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। मैंग्रोव वनस्पति आपने सुना होगा, एक कच्छ वनस्पति, वो सबसे ज्यादा यहीं पर पाया जाता है, उसके लिए यह बहुत उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया, राज्यपाल शासन की वहां पर अधिकतम अवधि जो है वो 6 महीने की है। जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो अलग संविधान है, ठीक है, और उसमें आर्टिकल 92 में राज्यपाल शासन की अधिकतम अवधि जो दी गई है वो 6 महीने दी गई है। अगला है, मानव युक्त गगनयान अंतरिक्ष अभियान के लिए 10,000 करोड़ की स्वीकृति। अब ये जो मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान है इसका नाम याद रखिएगा गगनयान, ठीक है।
क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आकाशयान, अंतरिक्ष यान, नभयान, इसका क्या नाम है? तो गगनयान इसका नाम है। अंतरिक्ष में मानवयुक्त यान भेजने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा, यूएसए, रूस, चीन के बाद भारत की चौथी स्थिति होगी। केंद्र सरकार ने पंजाब में सक्रिय खलिस्तानी लिबरेशन फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। ये हिंसा के जरिए क्या कर रहे थे, भारत से पंजाब को पृथक करके खलिस्तानी राष्ट्र के गठन का प्रयास कर रहे थे, इसलिए इसे खलिस्तानी लिबरेशन फ्रंट जो था इसको, इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके तहत प्रतिबंधित किया गया, गैर कानूनी गतिविधियां प्रतिबंध अधिनियम 1967 की धारा 7 के तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया। देखिए, पांच राज्यों में चुनाव हुए थे जिसका दिसंबर 2018 में रिजल्ट आया, विधानसभा चुनाव, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों जगह पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कमलनाथ, यहाँ के मुख्यमंत्रियों का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि बीजेपी बहुत दिन से लगातार जीतती जा रही थी, उसके बाद कांग्रेस ने बहुत बड़ा उलट फेर करके पांच राज्यों में से तीन राज्यों में जहां बीजेपी की सत्ता थी वहां से उनको उखाड़ फेंका। तो इसलिए ये मुख्यमंत्रियों के नाम याद रखिएगा, भूपेश बघेल यहाँ के छत्तीसगढ़ के, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश के थोड़ा सा ये रिनाउंड नेम है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जो पहले से थे अभी भी यही रहेंगे तेलंगाना राष्ट्रपति, जितनी इनकी पहले बहुमत आई थी उससे ज्यादा बहुमत लेके ये सरकार बनाए। अगला है, अंडमान निकोबार के तीन द्वीपों का नाम बदल दिया गया, रास द्वीप जो वहां का था उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1943 में आपने सुना होगा कि 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन किया था इन्होंने, फिर उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर 1943 को इन्होंने तिरंगा फहराया था, उसका 75वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए 75 रुपए का सिक्का और 75 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कुछ करना नहीं, 1943 में 75 जोड़ोगे आप, इतने का ही सिक्का और इतने का ही डाक टिकट। ये तीनों द्वीपों का नाम याद रखिएगा कि किस किस द्वीप का नाम बदलकर क्या क्या कर दिया गया। ये फ्रांस में एक पीली जैकेट आंदोलन हुआ था, येलो जैकेट मोमेंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पीली जैकेट आंदोलन किस राज्य, किस देश में हुआ, ठीक है। वहां के सरकार के विरुद्ध जो फ्रांसो ओलांदे वहां के राष्ट्रपति हैं उनके विरुद्ध ये आंदोलन था, वहां पर महंगाई और करों में अचानक से वृद्धि कर दी गई, तो पेट्रोलियम उत्पाद और हर चीज वहां पे बहुत महंगी हो गई, उसके विरोध में पहले हस्ताक्षर अभियान से यह शुरू हुआ था, फिर बाद में पीली जैकेट पहनकर इन लोगों ने आंदोलन किया था। अगला है, नासा का ओसिरिस-रेक्स यान वेन्नु क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ऑस्ट्राइड जिसे बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह मतलब ऑस्ट्राइड के निकट पहुंचा, वेन्नु के मिट्टी के नमूने एकत्र करके यह यान 2023 में वापस आएगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रह होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा नियमित रूप से करते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, करते तो हैं परिक्रमा लेकिन ये नियमित रूप से नहीं करते, इनकी कक्षा नियमित नहीं रहती, कभी इधर से कभी उधर से करते हैं। दूसरी चीज कि ये टाइम जो हर बार लेते हैं उससे अलग अलग इनके टाइम में भी डिफरेंस होता रहता है, इसीलिए इनको क्षुद्र ग्रह बोला गया। अगला है, 100 रुपए से अधिक मूल्य की भारतीय करेंसी पर नेपाल में रोक, ठीक है। तो 200, 500 और 2000 रुपए की करेंसी पर नेपाल में रोक लग गई है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस देश ने भारत की 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए की करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया, या तीनों में से कोई एक करेंसी पूछ सकते हैं कि इस पर किसने प्रतिबंध लगा दिया, तो नेपाल ही होगा, ठीक है। कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ी, अब ओपेक में कुल 14 देश हैं, इससे पहले 15 देश थे। ओपेक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये एक संस्था है, इनके लिए कुछ इसमें रूल रेगुलेशन थे। अगला है, आयरलैंड की संसद में गर्भपात की अनुमति हेतु विधेयक पारित, कुछ अभी कुछ दिन पहले भारत की एक डेंटिस्ट थी, इनको इनकी जान बचाने के लिए अबॉर्शन करवाना था लेकिन वहां पर कोई कानून नहीं था इसलिए वो हो नहीं पाया और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके बाद आयरलैंड में ऐसा विधेयक पारित हुआ। राष्ट्रपति कोविंद की म्यांमार यात्रा, म्यांमार के राष्ट्रपति यूवी मिंट है, म्यांमार की नायपीते वहां की राजधानी है, म्यांमार के साथिने में भारत 250 आवासीय प्लाट रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए बनवा रहा है, ठीक है, तो इसका भी लोकार्पण इन्होंने किया।
और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की समाधि भी यांगून में है। यांगून इसकी म्यांमार की पुरानी राजधानी थी, अब नाइपिटे हो गई, उसके पहले यांगून थे। अगला है मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की भारत यात्रा। मालदीव की एक नीति है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी किस देश की नीति है, तो इसका मतलब मालदीव से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मालदीव राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश राष्ट्रमंडल से निकलने के बाद पुनः उसमें शामिल हुआ, तो मालदीव है, ठीक है। अगला है ईरान पर प्रतिबंध के चलते यूएसए ने भारत समेत अन्य 7 देश को ईरान से तेल आयात की छूट अमेरिका ने दे दी। भारत अमेरिका और चीन के बाद खनिज तेल का तीसरा उपभोक्ता है, मतलब तीसरा उपभोक्ता 80% के आसपास भारत आयात करता है, 20% के आसपास अपने ये पूर्ति भारत खुद से कर पाता है, बाकी 80% के आसपास ये बाहर से मंगाता है। अगला है भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग की भारत यात्रा। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले विदेशी यात्रा किस देश की थी, भूटान की थी। दक्षिण एशियाई उपग्रह का लाभ उठाने के लिए भूटान में ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 720 मेगावाट की मांग छेंदु परियोजना भारत की मदद से तैयार की जा रही है, तो ये पूछा जा सकता है कि कहां पर मांग छेंदु परियोजना, नाम याद रखिएगा कि कहां पर मांग छेंदु परियोजना भारत की मदद से तैयार की जा रही है, किस देश में, तो वो भूटान होगा। देखिए भूटान यहां पर है, कौन कौन सा राज्य इससे टच करता है, सिक्किम टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल टच कर रहा है, असम टच कर रहा है, उधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो याद कर सकते हो भूटान पास में है, तो पास इससे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, ये 4 राज्य भूटान को टच करते हैं। श्रीलंका में संवैधानिक संकट समाप्त है। रानिल विक्रमसिंघे पुनः प्रधानमंत्री बने। क्या हुआ था 2015 में जब जनरल इलेक्शन वहां पे हुए तो ये प्रधानमंत्री चुने गए, कुछ दिन बाद वहां के राष्ट्रपति सिरिसेना ने पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को असंवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बना दिया। फिर ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने डिसीजन दिया, फिर ये वहां की संसद ने विश्वास मत हासिल किया और पुनः प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। गीतेगा बुरुंडी की नई राजधानी बनेगी, अफ्रीकी देश है बुरुंडी, ठीक है, गीतेगा, इसके पहले क्या राजधानी थी, बुंजुबरा। अगला है आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का त्याग पत्र। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, सरकार बार बार हस्तक्षेप कर रही है, तो इन्होंने कहा नहीं मैं अपने पर्सनल वजह से जो है त्याग पत्र दे रहा हूँ, लेकिन केंद्र सरकार के मतभेद चल रहे थे, केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही थी, आरबीआई की स्वायत्तता जा रही थी, इंडिपेंडेंसी जा रही थी, और साथ साथ में आरबीआई के सरप्लस को सरकार को सौंपने का मुद्दा था। आरबीआई एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत जनहित के मुद्दों पर आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार सरकार को प्राप्त है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके तहत सरकार उस पर दबाव बना रही थी, ठीक है। अब फिर इसी के चलते इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। फिर शशिकांत दास नए गवर्नर बने हैं, कौन से नंबर के गवर्नर है, आरबीआई के 25वें। अगला है भारत और यूएई के बीच, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात कह सकते हो इसे, राजधानी यहाँ की अबू धाबी है, मुद्रा है दिरहम, ठीक है, के बीच मुद्रा के अदला बदली का समझौता हुआ, आपसी व्यापार के लिए दोनों अब अपनी अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगला है 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को विस्थापित करने के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण बिल लोकसभा में पारित हो गया है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब आया था, 1986 में आया था, इसके बदले थोड़ा सा और इसको अपग्रेड करके नया बिल लाया जा रहा है। अगला है कन्नूर में केरल का 4th अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया। केरल में अभी तक 3 हवाई अड्डे थे, कोझिकोड, कोचीन और तिरुवनंतपुरम। वहां का जो कोची हवाई अड्डा है वो विश्व का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूर्णतया सौर ऊर्जा पर निर्भर है। अगला देखिए 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए के रूप में नियुक्ति है, पीएचडी अनिवार्य हो गई है। अगला है संदीप सोमानी फिक्की के नए अध्यक्ष, ठीक है। फिक्की उद्योग जगत की सबसे बड़ी संस्था है और इसके अध्यक्ष जो इस बार बनाए गए हैं संदीप सोमानी बनाए गए हैं, ठीक है। एएन जा भारत के नए वित्त सचिव होंगे, नाम है ये सब नाम आपको याद करना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम सरकार के नए प्रधान आर्थिक सलाहकार, ये नाम याद रखिएगा। देखिए जो लास्ट न्यूज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की गीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त की गई है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है, भारत की है इसलिए हर
वजह से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार अमिताभ घोष को दिया गया। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें मैंने लिख रखी है, द सर्कल ऑफ द रीजन, द ग्लास पैलेस, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज। ठीक है, इनकी इत्यादि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट अमिताभ घोष होगा। ठीक है, आने वाले अगर आप चार एग्जाम दोगे तो दो में क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषा तो आपकी आठवीं अनुसूची में है, उसके अलावा नेपाली और अंग्रेजी, ये जो दो भाषाएं नहीं है उसमें भी यह पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषा। तो हिंदी भाषा का पुरस्कार पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार किसको दिया गया, तो चित्रा मुद्गल को दिया गया, उनकी पुस्तक पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए, ये उनका उपन्यास है। ठीक है, इसका डायरेक्ट नाम भी पूछ सकते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के राइटर कौन है। अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इन्होंने किसको बनाया है, पत्रकारों को बनाया है। चार पत्रकार जिनकी या तो हत्या की गई या उत्पीड़न हुआ, इसके अलावा एक पत्रिका कैपिटल गैजेट के स्टाफ को दिया गया। ठीक है, इन पत्रकारों को द गार्जियंस का नाम दिया गया, सच के रक्षक। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें द गार्जियंस आंसर होगा कि इनको दिया गया। द गार्जियंस क्या है, पत्रकारों के समूह। अगला है मिस यूनिवर्स 2018, ये किसको मिला है, फिलीपींस की कैटियोना ग्रे को। अब तक भारत की दो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, सुष्मिता सेन और क्लारा दत्ता। अगला है मिस वर्ल्ड 2018 मेक्सिको की बेनेसा पास डी लियोन को दिया गया। भारत की अब तक 6 को यह खिताब मिल चुका है, रीता पारिया को सबसे पहले, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानसी खिल्लर। ठीक है, तो ये पहले वाले नाम याद रखिएगा, रीता पारिया का। सीरियल भी पूछा जा सकता है कभी कभी एग्जाम में कि इसको क्रमबद्ध रूप से लिखिए जब जब इनको मिला है। उसी में आ गया है भारतीय मूल की अमेरिकी श्री सैनी को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब दिया गया, भारतीय मूल की अमेरिकी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो विदेशों में रहते हैं भारतीय मूल की महिलाएं उनमें ये प्रतियोगिता कराई जाती है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 से 23 दिसंबर कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे मॉरिशस के राष्ट्रपति और उन्होंने ये कहा कि फरवरी 2019 में वो भी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस में मनाएंगे। इंजन रहित ट्रेन 380 में बहुत फेमस रहा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रहे हैं बहुत तेजी से। इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया है, उस टाइम पे दिसंबर 2018 में इसका सफल परीक्षण किया गया। अब तो ये ट्रेन चल भी गई है वाराणसी से दिल्ली। ठीक है, तो इसका सफल परीक्षण हुआ था और वंदे भारत एक्सप्रेस नाम से इसको चला दिया गया है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है ये। अगला है दिसंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस मैंने लिख रखे हैं, इसमें देख लीजिएगा आप। 10 दिसंबर को तो ना भूलना कभी। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को पड़ता है, उसके अलावा 24 दिसंबर और 25 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 25 दिसंबर आपको पता होगा सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है उस दिन। अगला है भारत चीन के बीच सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम हैंड इन हैंड है, और भारत अमेरिका के बीच जो संयुक्त वायुसेना का अभ्यास हुआ है उसका नाम कोप इंडिया 2018। ठीक है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए हैं WB रमन। अगला, ये भारत में वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी विश्व कप 2018, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, बेल्जियम जीता और नीदरलैंड उपविजेता। ठीक है, वैसे भी कोई भी विश्व कप हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परंतु ये तो भारत में हुआ था इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, भुवनेश्वर में, विजेता बेल्जियम, नाम याद रखिएगा, नीदरलैंड उपविजेता। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 2018। ठीक है, ये 10 दिसंबर को मैंने बताया, 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस होता है तो उसी दिन यह पुरस्कार दिया जाता है। तो पाकिस्तान की स्वर्गीय आसमा जहांगीर को यह पुरस्कार दिया गया मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए। अगला है भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2018 झांसी के पबीना में संपन्न हुआ। इसी के साथ दिसंबर 2018 का करंट अफेयर समाप्त होता है, जल्दी ही हम नवंबर 2018 का भी करंट अफेयर लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।